माइनक्राफ्ट के अंदर मिलता है हम लोगों को एक बहुत बड़ा वर्ल्ड जिसके अंदर मिलता है हम लोगों को काफी सारे पेड़ और कुछ एनिमल्स, और अगर ढूंढना जाए तो हम लोगों को मिलता है एक बहुत बड़ा विलेज। लेकिन क्या हो अगर आप स्पॉन हो जाओ एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ लिटरली एक ब्लॉक हो, यस लिटरली एक ब्लॉक। तो आज मैं इसी वर्ल्ड में सर्वाइव करने वाला हूँ 10 डेज इन माइनक्राफ्ट 1 ब्लॉक। अभी तो ये 10 डेज हैं, लेकिन जैसे जैसे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता रहेगा इसके डेज इंक्रीज होते रहेंगे और हम लोग एंड में मारेंगे एंडर ड्रैगन को। तो अगर आप लोग ये सीरीज पूरी चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, और देरी नहीं करते जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डे 1 स्टार्ट हो गया। वैसे गाइस मुझे आप लोगों को 1 ब्लॉक के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जो लोग नए आए तो उनको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली 1 ब्लॉक एक 1 ब्लॉक है, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली गाइस 1 ब्लॉक एक इन्फिनाइट ब्लॉक है, मतलब हम लोग ना इसको इन्फिनाइट टाइम तोड़ सकते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे फेज होते हैं, 10 फेज होते हैं, जिनमें से हमारा अभी फर्स्ट फेज भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे फेज इसके अंदर अपग्रेड होते रहेंगे और वहाँ से हम लोगों को काफ़ी सारे ऐसे सामान मिलता रहेगा। तो इस चेस्ट में से आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को थोड़े बहुत फ्लावर्स मिल गए, तो ऐसे हम लोगों को काफ़ी सारी चेयर भी मिलती रहेंगी और हम लोगों को काफ़ी नए नए टाइप के ब्लॉक्स भी मिलते रहेंगे। हम लोगों को अपनी रिसोर्सेज को बचा कर रखना होगा क्योंकि कुछ भी आ सकता है अभी फिलहाल के लिए। तो ओ पिग, नहीं पिग, नो ओ नो यार, मेरा फर्स्ट पिक आया था 1 ब्लॉक का, यार नीचे क्यों चला गया, मैंने यार इसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया, मैं नूब रहा हूँ। शिट यार गाइस, हमारा पिक एक नीचे चला गया। कोई नहीं, एक और आ जाएंगे, लेकिन इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर ना। यार यार कहाँ लगा दे, हम लोगों को इसको थोड़ा बहुत और बड़ा करना होगा। अभी एक और शायद से आ जाए, ये मुझे पता नहीं था एकदम से आ गया पिग। नो यार, हमारे पास ऐसे कुछ सामान थोड़ा बहुत है, इसको इसमें डाल दो। अभी तो सिर्फ पिग गिरा, अगली बार हम लोग भी गिर सकते हैं, बड़ा ध्यान रखना होगा इस 1 ब्लॉक में। वैसे गाइस आप लोग यहाँ कॉर्नर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ब्लॉक्स दिखा रही है कि हम लोगों ने इतने ब्लॉक्स माइन कर लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे ब्लॉक्स को माइन कर लेते हैं। ऐसा करता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, थोड़े टूल्स भी बन जाएंगे। क्राफ्टिंग टेबल को अभी फिलहाल के लिए तो हम यहीं पर ही रख लेते हैं, बाकी थोड़े से यहाँ से ना स्टिक्स से हम लोगों के स्टिक्स बना लेते हैं, 4 काफ़ी रहेंगे। वैसे हम लोगों को चाहिए तो एक एक्स होगी, एक एक्स बस बना के रख लेते हैं क्योंकि इसको तो हम लोग ऐसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है इसका। ओ मैंने अभी देखा मेरे पास डर्ट काफ़ी सारी हो गई यार, मुझे फिर से इसको प्लेटफॉर्म को बड़ा करना होगा क्योंकि अब पता नहीं है कोई और एनिमल यहाँ पर आ सकता है। हम लोग थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को और बड़ा कर देते हैं, वैसे इतना बड़ा तो बहुत कम है। हम लोग ऐसा करते हैं इसको डायमीटर के हिसाब से करते हैं, मीन्स के इसको हर तरफ से इक्वल रखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो हम लोग यहाँ पर इसको 2 रखेंगे और हर साइड से इसको 2-2 कर देते हैं। एक्चुअली मैं वीडियो बड़ा लंबी करनी नहीं चाह रहा क्योंकि मैं बातें करता रहूँगा तो उससे ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वैसे ही 10 डेज हम लोगों ने किया तो 10 डेज ख़त्म होने में ज़रा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। गाइस मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बाकी हम लोग ना थोड़ा बहुत चीज़ों को मैं पार्ट को स्किप करता रहूँगा और जो मेन चीज़ है वो आपको दिखाता रहूँगा, तो इससे ये होगा कि आप लोग बोर भी नहीं होंगे। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे गाइस कि डेज का हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि डेज कंप्लीट कितने हो गए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक्चुअली मैंने एक साइन बोर्ड बनाया है जिसके अंदर मैं डेज लिखता रहूँगा, जैसे साइन बोर्ड यहाँ पर हम लोग रख देंगे तो इसके अंदर मैं ना डे लिखता रहूँगा यहाँ पर। मतलब हम लोग ना इसको तोड़ तोड़ के बार बार चेंज करते रहेंगे और इसके अंदर हम लोग डे लिखते रहेंगे कि कौन सा डे हमारा कंप्लीट हो गया, तो इससे हम लोगों को ईजिली बदल जाएगा कि हमारे 10 डेज जल्दी कंप्लीट होंगे। बाकी हमारे एक रात तो अभी होने वाली है, शाम तो हो गई है लेकिन कोई टॉर्च तो मिली नहीं अभी फिलहाल। थोड़े और एरिया को बड़ा कर लेता हूँ, काफ़ी सारी डर्ट आ गए हमारे पास। ओ बारिश हो गई, ये हमारी 1 ब्लॉक की फर्स्ट बारिश है और अभी सी हो गई, हमारा फर्स्ट डे तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। गाइस ये होता है लक, फर्स्ट डे के दिन बारिश हो गई। ओ चेस्ट आई, ओ भाई सामान इतना सारा, ओ भाई लूट लो सब सामान लूट लो, इसका मतलब हमारा फार्मिंग का भी सामान हो सकता है, इसको तो भाई संभाल कर ही रखो सबसे पहले। यस हम लोगों को गाइस फर्स्ट हमारी सैपलिंग मिल गई, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। सैपलिंग को हम यहाँ लगाते हैं और एक यहाँ लगाते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, नहीं यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, हम लोग ना इधर लगा लेते हैं कागज़ सैपलिंग, ये इसको यहाँ लगा लेते हैं। बाकी अब ठीक है हमारे पास वुड भी काफ़ी सारा आ जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास कोल नहीं आया ना ही टॉर्च आई। यार अगर बारिश रुक जाती ना तो और अच्छा रहता, बारिश की वजह से पता भी नहीं चल रहा। ये मुझे लग रहा है ये ऐसा ही है, मतलब गेम वालों ने बनाई ऐसा ही कि पहले दिन बारिश ज़रूर होती है। मैंने एक दफ़ा जब 1 ब्लॉक खेला था तब भी यही हुआ था। ओ पम्पकिन, ओके इसको तोड़ लो, कोई नहीं पम्पकिन भी हमारे काम आ जाएगा, इसको भी निकाल के रख लो। वैसे इन सब चीज़ों का ना हम लोगों को पहले स्टोर करके रखना है क्योंकि अभी तो फार्मिंग हो नहीं सकती। शीप आ गई, यस ओके भाई देख लो तुझे गिरना नहीं है के आगे जाके तुम्हारे और भी अभी फ्रेंड्स आने वाले, तो उनको भी मैं यहाँ पर रखूँगा, तो
तो ये याद रखना कि तुम्हें गिनना नहीं है। अभी यहाँ पर मैं तुम्हारी ब्रीडिंग भी कराऊंगा कि शीप आ गई, इसका मतलब और भी अभी एनिमल्स आने वाले हैं। मैं इसको ना जगह को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि अब एनिमल्स और आ रहे हैं। वैसे मेरे पास वुड तो है, वुड अभी आने वाली है, लेकिन डर्ट भी है। डर्ट का हम लोग एक आइलैंड बनाएंगे, डर्ट अभी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग ना इसी को ही यूज़ कर लेते हैं। स्लैब सारे बना लेता हूँ मैं अभी, वैसे भी ज़रूरत तो है नहीं किसी चीज़ की, ऐसा ना हो ज़ॉम्बी आ जाए। आई थिंक दिन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है रोशनी, हाँ दिन हो रहा है। ओके हमारा फर्स्ट डे भी होने वाला है, जैसे ही सूरज पूरा निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर डे वन लिख देंगे, तो यहाँ से हमारा गाइस डे वन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे 9 डेज बाकी रह जाएंगे। ओ ग्रास फैल रही है यार, ये शीप ना खा जाए, मुझे इसको ना और ज़्यादा फैलने देना होगा। इसको ऐसा करते हैं यहाँ से कवर कर देते हैं, ये शीप मुझे लग रहा खा लेगी ग्रास को, तो इसको मैं कवर कर देता हूँ थोड़ा साइड होना, कि ये ना हमारे गाइस आगे जाके काम आएगी। इसको यहाँ से ना मैं बस ऐसे कवर कर देता हूँ। अब ठीक है, शीप को आने नहीं देना बस मुझे यहाँ पर। ओ भाई वाटर बकेट आ गए फाइनली यार, अब अच्छा लग रहा है कुछ। हम गाइस हम लोग फार्मिंग अब कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है यार, वाटर बकेट आ गए फाइनली। वैसे नीचे शायद अब ग्रेविल भी आ सकती है। ओ भाई हमारा लेवल 2 भी आ गया अंडरग्राउंड, ओ यस स्टोन आ गया ना, अब मज़ा आएगा। अब गाइस हम लोग टावर भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एनिमल बस एक ही मिला है, इसको यार संभाल के रखना होगा, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि अब हमारा स्टोन आया इसका मतलब अब ज़ॉम्बीज भी आ सकते हैं, तो इसको हम लोगों को संभाल कर रखना होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसकी बीच की दीवार ना तोड़ देता हूँ, ये बहुत बुरी लग रही है, मैं इसके लिए ना एक अलग सा एरिया बनाता हूँ, वहाँ पर हम इसे रखेंगे। एक्चुअली ना तुम्हारे लिए मैं पीछे से एक एरिया निकालता हूँ यहाँ से। A few moments later. तो इतना काफ़ी है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर जगह दे दी, यहीं पर ही रह लेगी। नहीं 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 यहाँ मत आओ, पीछे 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 पीछे, अरे यार पीछे जाओ, यहाँ मत आओ यार, यहाँ मत आओ प्लीज़। वो पता नहीं तुम लोगों को वो कैसे रुक गए। ओके तो यस इतना काफ़ी है, मैंने नीचे की जगह पता नहीं क्यों छोड़ दी, लेकिन खैर अच्छा लग रहा है। इसको यहाँ से सही है, वरना ये इस साइड आ सकती है, उसको साइड ही रहने देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक पिकैक्स बनाते हैं, तो हम लोग एक लकड़ी की पिकैक्स बनाते हैं, बाद में इसको हम लोग ना स्टोन पे कवर करते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ फार्मिंग किस तरफ करूँ, क्योंकि मेरे पास डर्ट भी काफ़ी सारी है, तो ऐसा कर दूँ ना यहाँ पर एक फार्म लैंड बना देता हूँ छोटा सा। थैंक गॉड गाइस फाइनली हम लोग पायर शुरू हुई है, कहते हैं यहीं पर ही ऐसे थोड़ा बहुत लगा लेते हैं इसको सीधा। एक्चुअली ऐसे नहीं लगाते हैं इसको ना, यहाँ से बीच बीच से तोड़ते रहते हैं। गाइस एक्चुअली मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि यार तेरे पास तो एक शीप थी, दो शीप कैसे आ गई, तो एक्चुअली तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन मुझे ना जब मैं माइनिंग कर रहा था तो मुझे एक शीप मिल गई, तो मुझे यहाँ पर ना एक और शीप मिल गई थी, तो मैंने सोचा इसको भी उधर ही रख देता हूँ। इसके अंदर एक्चुअली हम लोग ना आयरन को स्मेल्ट करेंगे, एक को हम टॉर्च बना लेके और एक को इसमें डाल देते हैं, ये एकदम एपिक चीज़ हो गई। बाकी जो मेरे पास टॉर्चेज हैं ना उनको मैं अंदर लगा कर आ जाता हूँ, एक तो इनके ऊपर ऐसे रखवा देता हूँ और एक आसपास यहीं कहीं लगा देता हूँ, तो यस इनका अब थोड़ी बहुत रोशनी रहेगी। बाकी मुझे जल्दी से ऊपर जाना होगा, हाँ सही है ठीक है भाई, तुम लोग यहीं रहो मैं जा रहा हूँ। से हम लोगों के बन जाएंगे एक शेयर, और आई थिंक वो पेड़ भी उठ गया। ओ भाई यार ये सही तो है, लेकिन अब मुझे उस साइड जाना, उस साइड कैसे जाऊँगा, प्रॉब्लम आ गई। तुम लोग अभी भी यहीं पर ही खड़े हो, लाओ शेयर्स आई मीन फूल, और सॉरी उसको गलती से मार दिया यार ये। ओके कितना आ गया वैसे, 2 आए, शेयर्स कम खराब है क्या, काम नहीं कर रहे। नहीं 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 नूबड़ी शीप यार, इससे बड़ा नूबड़ा इसको आज तक कभी नहीं देखा यार, नूबड़ी है यार, वो भी बाहर आने के लिए किया इसका कहा था से यार, एकदम सही में नूबड़ी है यार वो शीप भी, उसको बाहर आने के लिए किसने बोला था, वो नीचे जाके गिर गई यार। शिट मुझे भी वहाँ पर कुछ ना कुछ लगाना चाहिए था, माइनक्राफ्ट की शीप होती ही ऐसी है।
भाई आज का दिन ही खराब है यार, एक शीट भी मिले वो भी साले खराब। ओ ओ ये शीप आ गई गाइस, यस। चलो भाई अब तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, तुम यहाँ से चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो यहाँ से, गिनना नहीं है तुम्हें। यस गाइस फाइनली हम लोग एक बेड बना सकते हैं और अपना दिन कंप्लीट कर सकते हैं, और ये इसी के साथ हमारा डे टू भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं सो जाता हूँ। इस हमारे पास एक और एनिमल आ गया, इसको भी हम लोग वहीं पर ही लेके चलते हैं। एक्चुअली में एनिमल्स की ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और उनको देखो यार वो लोग बाहर आ जाएंगे यार। ऐसा करता हो तुम यहीं पर ही रखो, मैं तुम्हें वीट के जरिए लेके जाऊँगा, कि ऐसे तो जाएगी नहीं। आजकल एनिमल्स काफ़ी कम आ रहे हैं, और ये कौन आया, एक सेकेंड वो रैबिट आया, रैबिट का बच्चा है वो भाई, इसको तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो खुद ही अंदर आ गया। ये शायद नहीं आया, नहीं नहीं गया गया गया, सही है यार, इसको तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अबे भाई नहीं नहीं बाहर नहीं बाहर नहीं बाहर नहीं, गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे भाई, यहीं घूमता रहो लेकिन भागेर मत जाना बस। थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ अपनी जगह को और एक्सपैंड कर लेता हूँ, वैसे भी काफ़ी सारे स्लैब्स तो हैं अपने पास। मुझे अभी याद आया मेरे पास ना काफ़ी सारे डर्ट है, शीप्स की जगह को भी मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं एक तोड़ के इधर ना ये लगा देता हूँ, तो ये ना इस साइड भी चले जाएगा थोड़ा बहुत, और इसको ना बच गया। ओ भाई यार हार्ट अटैक आने वाला था मुझे, बिल्कुल हिल गया मैं तो। ओ भाई यार ऐसी हरकत नहीं करनी यार, बिगड़ जाता भी मैं तो, जितना भी सामान है सब। पहले मैंने जगह बड़ी कर दी, अब तुम यहाँ पर आराम से रहो, मैं जा रहा हूँ और इसको तोड़ के मैं फ़ौरन से बंद कर दूँगा। वैसे ये लोग अब आने के लिए इतना ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि इनको जगह अच्छी लग रही है, खैर वहीं रहने देते। बाकी पेड़ भी उग गया, ओके हम लोग ना यहाँ पर दोबारा तोड़ना शुरू कर देते, वैसे हमारे पास टाइम बहुत नहीं है। हेलो पीछे जाओ पीछे। ओ जल्दी जल्दी लेवल, हमारा नया फेज आ गया। ओ भाई लेवल फेज 3 भी आ गया यार, ये तो सही है। ये इसको मारो मारो मारो, कहाँ जा रही है, रुक जा रुक जा रुक जा। बे यार भाग गई, शिट मेरा बो नहीं थी, उन्हें बो से उड़ा देता, वैसे इतना अच्छा निशाना भी नहीं है मेरा। भाई क्या कर रहा हूँ भाई मैं, हार्ट अटैक भाई छोड़ो यार, लगता है KF3 आ गया हमारा। ओ सॉरी ओ आयरन, सॉरी आयरन बोल रहा हूँ, ये आयरन थोड़ी है, क्या नाम है इसका, रेड स्टोन आना शुरू हो गया अब तो, इसका मतलब अब आएंगे ज़ॉम्बीज, तो अब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सबसे ज़्यादा ध्यान उस नूबड़े क्रीपर से रखना होगा। ओ कुछ आया, डायमंड लगा, डायमंड आ गया। ओ भाई मैं तो ऐसे माइनिंग कर रहा था यार, डायमंड आ गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया यार। बाकी गोल्ड को मैं स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। यस गाइस हमारा फर्स्ट डायमंड। ओ सुपर चेस्ट, इसमें क्या है, ओ भाई डायमंड और गोल्डन पिकैक्स, गोल्डन और सर मैं इसका मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ तो घोड़ा आता खा गया। ये सही है यार, सुपर चेस्ट में इतना सारा सामान, ओ यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी चेस्ट है। ओ भाई अब आया ना डायमंड, इसको तोड़ लो। तो बेसिकली मुझसे ना थोड़ा सा अजीब सा खेला जा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने सोचा क्यों ना अपने नए कंट्रोल्स लगा लूँ। वैसे आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी जाएगा नए कंट्रोल्स कैसे लगाएंगे, आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ से एडजस्ट करके मैं अपने नए कंट्रोल्स को लगा सकता हूँ, और यहाँ से मैंने थोड़ी देर के लिए नए कंट्रोल्स लगा लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो आई थिंक ये जॉयस्टिक सही है, क्योंकि वाली जॉयस्टिक ना इतनी ज़्यादा अच्छी लगने रही थी, लेकिन इस जॉयस्टिक में ना थोड़ा बहुत आई थिंक मज़ा आ सकता है। खैर इसको ही रहने देते हैं, अब हम लोग ना अच्छा करते थोड़ा बहुत इधर उधर का एरिया वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। वाओ यार पेड़ भी उग गया, ये सही है, ये वाला भी उग गया, ठीक है हम लोग ना यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी यस हमारा ये बन गया ना, तो हम लोग इसको तोड़ लेते हैं और ये अपनी मुँह गाय को खिला लेते हैं। वैसे एक से कुछ होगा नहीं, ये मोमो गाय ना पूरी हलप लेगी, देखो ना कैसे पागल हो रही। मोमो गाय खाओगी नहीं मिलेगा, सॉरी। अभी फिलहाल वैसे हमारे पास सारा सामान ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ है जो कि है ये हमारे पास काफ़ी सारे, इसको क्या कहते हैं, स्टोन, कॉबल स्टोन, सॉरी कॉबल स्टोन कहते हैं यार मेरे, क्या हो गया मैं भूल रहा हूँ। तो कॉबल स्टोन हमारे पास काफ़ी सारे, तो उसको हम लोग थोड़ा बहुत लगाना शुरू करते हैं। इसको एक इधर लगा लेते हैं, एक इधर लगा लेते हैं, यार ये शील्ड हटा लो ये परेशान कर रही है, सही है। तो यस इसको हम लोग इधर उधर कहीं ना कहीं लगा लेते हैं। बाकी तो सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग ना अपना एरिया बढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे इतना हमने अपनी एरिया कर लिया, अब मेरे हिसाब से हम लोग ना एक इनके लिए अलग सा आइलैंड बना सकते हैं, लेकिन वो मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं उस साइड से बनाऊँ, इस साइड से ना मैं अपना एक ऊपर एरिया बनाना चाह रहा हूँ, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ऊपर लगने वाला। तो उसको ना हम लोग पहले यहाँ से ऊपर से सीढ़ियाँ बनाते हैं। अबे कुछ गिरा नीचे, एक सेकेंड मुझे लग रहा है गाय गिरी है। नो नो नो
मेरी गा और एक शीप भी नहीं है। ओ भाई साहब, मेरी शीप भी नहीं है, गाय भी नहीं है यार। नूबड़ी शीप, तूने क्या कर दिया, अपने ही साथी को मार डाला। अरे यार इनको मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पर फेंसिंग करनी होगी क्योंकि अब तो ये ऐसे ही गिरते रहेंगे। तो एक्चुअली हम लोग ना इसको पूरा का पूरा सर्किल वाइज बनाएंगे, जैसे यहाँ से एक सर्किल चलेगा, एक दो, फिर यहाँ से एक, फिर एक दो, उसके बाद फिर यहाँ से एक और बनाओ। यार सारे खत्म हो गए जल्दी जल्दी, स्पीड 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 स्पीड, फास्ट फास्ट फास्ट। यार इसमें फास्ट का भी इनको कुछ सिस्टम डालना चाहिए था, लेकिन खैर कोई नहीं, हम लोग ना इसको यहाँ से जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ओए चिकन, अबे चिकन कहाँ से आई? ओ भाई एक सेकंड, बंद करो यार, ये तो बेहतरीन हो गया। चिकन कहाँ से आई यार? एक सेकंड, मुझे इसको ना बनाना पड़ेगा फैंस। अब तो कुछ भी हो जाए फैंस बनाना जरूरी। एक्चुअली फैंस नहीं, मैं वॉल बना लेता हूँ इसकी, कि मेरे पास ना सामान ज़्यादा है ना, तो इसकी वॉल सही रहेंगी। ओ भाई दो दो यार, लॉक बहुत अच्छा है, इसको जल्दी जल्दी फैंस से कवर करो। तुम्हारी भैंस की अगर तुम नीचे गए ना, तो तुम लोगों को एक एक को छोड़ूंगा नहीं। हाँ नहीं तो कब से तंग कर यार। ओके तो गाइस फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हैं पूरा सर्किल लग रहा है। एक्चुअली सर्किल तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने कोशिश की थी सर्किल बनाने की, लेकिन बन नहीं रहा था। मैं इसको थोड़ा बहुत वाइट वाइट कर देता हूँ ज़रा, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि सर्किल ये वैसे भी लग तो रहा नहीं है। लेकिन कोई नहीं गाइस, चलता है, काफ़ी हद तक तो हमारा सर्किल बन गया। वैसे मैं इस पर सोच नहीं रहा, आखिर मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, लेकिन देखेंगे। तो अभी गाइस मैं अपने घर के लिए थोड़ा बहुत सामान वामान इकट्ठा करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली एक छोटा सा ट्री फार्म बना लेता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी सारी ट्रीज मिल जाएंगी। तो गाइस अब वो टाइम आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, और अब मैं यहाँ पर अपना घर बनाना शुरू कर देता हूँ, और क्योंकि ऑब्वियसली घर बनाना मुझे ज़रूरी है। 10 डेज कंप्लीट होने से पहले मुझे घर कंप्लीट करना होगा, बाकी आप लोग ये सिनेमैटिक वीडियोस में देखें। क्योंकि मुझे ना इतना खास घर बनाना आता नहीं है, बाकी डेकोरेशन तो ऑब्वियसली गाइस नहीं आती। और ये हमारा लास्ट डे भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पर रात हो गई और हम लोग इसको रात को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी के साथ गाइस फाइनली हम लोगों ने डे 10 कंप्लीट कर लिया, 10 के 10 डेज कंप्लीट होगा 1 ब्लॉक में। और इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर लिया, आप लोग इधर उधर देख सकते हो, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो गई। और आप लोगों ने अंदर देख भी लिया कि कितनी सारी चिकन्स आ गए। बाकी गाइस आप लोगों को घर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को आप लोग रेटिंग ज़रूर अच्छी नहीं देंगे, क्योंकि घर इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा ऑब्वियसली। मेरी असल में क्या है, बिल्डिंग बहुत ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको दोबारा रीबिल्ड करूँ, कि मेरे पास ब्लॉग्स भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको दोबारा रीबिल्ड करूँ। बाकी अगर आप इसके और ज़्यादा एपिसोड चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, लेकिन इसके एपिसोड जल्दी जल्दी आना मुश्किल है, काफ़ी टाइम बाद आएगा, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ बनाने में लिटरली जान निकल गई, बहुत मेहनत लगी है इसका। गाइस आप लोग कमेंट कर देगा कि ये आप लोगों ने अभी देखा, वैसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा बहुत ना सेंसिटिविटी का इशू आ रहा है, मैंने जैसे ही ना कंट्रोल्स रखा है
तो उसके अंदर ना सेंसिटिविटी का इशू आ रहा है, पहले भी शायद से कुछ टाइम इशू आ चुका है, या तो ये नए कंट्रोल्स की दिक्कत है या तो कोई सेटिंग मैंने ऐसी कुछ कर दी है, तो आपको मुझे कम में बताएगा। वैसे अभी तो फिलहाल हो नहीं रहा, लेकिन ये बात बात पर हो रहा है, मुझे भी फिलहाल नज़र आ नहीं रहा, तो इसका आप लोग मुझे कमेंट कर देगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देगा गाइस, ऐसी और भी कमाल की वीडियोज़ देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।